नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को सदर पुलिस थाना की टीम ने 2 वर्ष के बाद सुनियोजित तरीके से पालमपुर के मारंडा से दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस की इस टीम में सदर थाना के सब इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार के अलावा मुख्य आरक्षी बलविंदर और आरक्षी अभिषेक शामिल रहे। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के यशपाल ने सरोल गाँव में आधार कार्ड केंद्र की आड़ में नौकरी देने की बात कहकर करीब 100 लोगों से 30 लाख रुपए ऐंठने के बाद फरार हो गया था। इस बारे जानकारी देते हुए पुलिस थाना प्रभारी स्किन्नी कपूर ने बताया कि आरोपी के ठगी का शिकार होने वाले लोगों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सदर थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में अब तक 23 लोग आरोपी द्वारा ठगी करने की बात कह चुके हैं। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश कर रही थी, मगर आरोपी अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, मगर पुलिस ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है। वर्ष 2019 में 22 अप्रैल को थाना चंबा में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मुकदमे का जो ब्रीफ फैक्ट्स थे वो इस प्रकार से थे कि एक यशपाल नाम का व्यक्ति है जिसने चंबा के सरोल में अपना एक आधार कार्ड का एक्सटेंशन सेंटर खोला है और वो लोगों को ये कहकर नौकरी देना शुरू, पैसे लेना लोगों से शुरू कर दिए कि वो आधार कार्ड के माध्यम से आधार कार्ड का एक्सटेंशन सेंटर जो सेवा केंद्र होता है लोक मित्र केंद्र की तरह वो सबको बांटेगा। और इसने प्रत्येक व्यक्ति से 30-30 हज़ार रुपये लेने शुरू कर दिए। ऐसे करीब इस व्यक्ति ने जो है वो 23 लोग जो हमारे पास अभी तक आए हैं, 7 लाख रुपये का इसने गमन किया और कुल मिला के बाकी जो पूछताछ में पता चला है इसने कम से कम 100 लोगों से ऐसा घोटाला चंबा के अंदर किया है। 30 लाख का इसने घोटाला किया है आधार कार्ड एक्सटेंशन के नाम पे। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हुआ, तफ्तीश शुरू हुई, तो इस व्यक्ति ने अपनी हाई कोर्ट में जमानत लगा दी। हाई कोर्ट में इसकी जमानत रद्द हो गई। उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत लगाई जो कि पिछले साल नवंबर माह में रद्द हो गई थी। उसके बाद से ये अपराधी लगातार भाग रहा था, लगातार स्थान बदल रहा था। इसके बारे में हमारे पास सिर्फ, और ये सबसे बड़ी क्या था कि ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। करता था तो किसी और का अलग अलग नंबर से मोबाइल लेके कभी पुलिस को फ़ोन करेगा, कभी अपने घर किसी फैमिली को भी ये टच में नहीं रखता था। तो इससे हमने इसकी जानकारी जुटाई कि ये कहाँ, इसके पूरी जानकारी जुटाने के लिए, इसके मोबाइल नंबर, इसकी लोकेशन देखने के लिए हमें करीब करीब 3 महीने का वक्त लग गया। उसके बाद हमें एक लीडिए मिली कि इसके पास एक बोलेनो टेम्परेरी नंबर की गाड़ी है। उसी गाड़ी की तफ्तीश करते करते हमारी विशेष जो हमने टीम बनाई सब इंस्पेक्टर कुलदीप साहब के नेतृत्व में, इस टीम ने जो है वो लगातार 5-6 दिन से ये टीम इसके पीछे कर रही थी। हमें सूचना मिली कि रोडू में, हमारी टीम रोडू गई, वहाँ से इस अपराधी ने अपना ठिकाना बदल लिया, ये चंडीगढ़ चला गया। हमें चंडीगढ़ तक इसको ट्रेस किया, फिर ये अलग अलग जगह जाता रहा, बैजनाथ, और पिछले कल हमने कांगड़ा के पालमपुर से इसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसने एक गाड़ी भगाई थी, हमने जब इसे हमने देखा तो गाड़ी भगाई और हमने इसकी गाड़ी को चेज करते हुए इसको मरंडा नाम के स्थान पर पकड़ा। इस सारी टीम में कुलदीप साहब के अलावा जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, ये इनका भी दूसरा केस है। इससे पहले जो कर्नाटका से लड़की वापस लाए थे और जो एक नेपाल से लड़की वापस लाए थे, वो उनमें भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इस बार भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, लाइव लोकेशन लेना, CDR का तुरंत एनालिसिस करना। इस तरह से हम इस अपराधी को पकड़ पाए हैं।